लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। उज्जैन में लोकायुक्त ने सहकारिता निरीक्षक निर्मल राय के घर पर आज सुबह छापामार कार्रवाई की थी। लोकायुक्त की टीम को यहां से 12 लाख नकदी, ज्वेलरी, दो बैंक लॉकर, लग्जरी गाड़ियों सहित अन्य दस्तावेज मिले थे, जिनकी जानकारी जुटाकर लोकायुक्त की टीम फिलहाल कार्रवाई कर रही है। उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने सहकारिता निरीक्षक निर्मल राय के घर पर आय से अधिक मामले को लेकर फ्रीगंज स्थित अपेक्स बैंक के लॉकर खोलने पहुंची। लॉकर की जानकारी कल छापे के दौरान लोकायुक्त पुलिस को मिली थी। दोपहर में अपेक्स बैंक के लॉकर को खोला गया तो लॉकर में से सोना और चांदी के जेवरात लोकायुक्त पुलिस को मिले हैं। अपेक्स बैंक के लॉकर नंबर 513 में से करीब 465 ग्राम सोना और 316 ग्राम चांदी के जेवरात मिले हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए में आकी जा रही है। लोकायुक्त पुलिस ने अब सारे जेवरात जब्त कर लिए हैं। इसके अलावा एक अन्य उज्जैन नागरिक सहकारी बैंक का लॉकर खोलने की भी बात लोकायुक्त पुलिस कर रही है। उज्जैन से प्रदीप मालवीय की रिपोर्ट। अपेक्स बैंक में श्री निर्मल राय कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर और उनके पुत्र अर्पित राय के नाम से एक लॉकर जो जिसके संबंध में जानकारी कल उनके निवास के छापे के दौरान प्राप्त हुई थी, उस लॉकर को आज अभी ऑपरेट किया गया। ब्रांच मैनेजर बैंक के अधिकारियों के सहायता से, जिसमें अभी तक जो निकाला गया समस्त सामग्री में गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स प्राप्त हुए हैं। गोल्ड का जो है एक अनुमानित 450 ग्राम है, 465 ग्राम के आसपास गोल्ड है और 316 ग्राम लगभग चांदी के ऑर्नामेंट्स प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त लॉकर में कोई अन्य चीज़ नहीं पाई गई है, जिसका विधिवत पंचनामा बनाया जाकर उसे जब्त किया जाएगा। अब वर्तमान अगर रेट के हिसाब से देखते हैं तो 40,000 प्रति उसके हिसाब से अब आप कैलकुलेशन स्वयं कर सकते हैं। जी नहीं नहीं, इसमें कोई लॉकर नहीं, एक लॉकर और है जो उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक के अंदर है, उसको अभी इस कार्रवाई के बाद वहां पर उसको ऑपरेट किया जाएगा। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।